हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक सुंदर सी कहानी लेके। आज का समाज बहुत ही कुटिल हो गया है, बहुत ही चतुर हो गया है, ऊंच नीच को बहुत देखता है। कहने को तो सारे ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म हो गए हैं, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, सब समान हैं। ट्रेन में सब साथ चलते हैं, बस में सब साथ चलते हैं, सड़कों पे सब साथ चलते हैं, ऑफिस में सब साथ काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये भाव आज भी हमारे समाज में डोल रहा है, बहुत जड़ कर चुका है कि किस तरीके से गरीब को और नीचा दिखाया जाए, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए। इस चीज को खत्म करना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि लोग इससे हताहत होते हैं। सिर्फ चोट लगना, शरीर पे जो चोट दिखती है वो चोट एक अलग माने रखती है, और जो चोट नहीं दिखती, जो अंदरूनी होती है, वो बहुत गहरी होती है। तो वो ये सोच समाज से हटानी है, और इसी पर आधारित है आज की मेरी कहानी। और उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आप मोटिवेट होंगे और लोगों को समझाएंगे, और खुद भी इस कुंठित विचारधारा से बाहर आएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, और इसमें विलंब नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा विलंब करना सही नहीं है, क्योंकि आप लोग उत्सुक होंगे जानने को कि क्या कहानी है। एक गरीब अध्यापक थे और अपने बहुत अमीर शिष्य के साथ एक दिन वो कहीं जा रहे थे। जो अमीर शिष्य था उसके दिमाग में हर समय खुराफात चलता रहता था। तो आज भी जब वो गुरुजी के साथ चल रहा था, तो अचानक से उसने गरीब मजदूर को देखा और दूर रख के उसके जूते को देखा, तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, अगर इसके जूते गायब कर दिए जाएं तब मजा आ जाएगी देखने में। गुरुजी ने सोचा और फिर बड़ा धैर्य रखते हुए उस बच्चे को समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। किसी गरीब मनुष्य के साथ ऐसा मजाक करना अपराध के समान है, ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं जैसा कह रहा हूं, अगर तुम वैसा करो तो शायद तुम्हें मजा भी आएगा और उस गरीब को भी आनंद आएगा। तो वो लड़का कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि उस खेल में उसे मजा बहुत आएगा, तो वो मजा लेने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, मैं गुरुजी के हिसाब से ही खेलूंगा। गुरुजी ने उसे बताया कि उसके जूते में क्या कर दो, पैसे डाल दो, कुछ पैसे डाल दो। तो उस लड़के ने वैसा ही किया, उस गरीब आदमी के जूते में पैसे डाल दिए और देखता रहा दूर से। शाम हो चली थी, वो गरीब मजदूर काम करके हाथ मुंह धोकर आया, अपने जूते पहनने लगा। जब उसने जूते में एक पैर डाला तो उसे काफी कड़ापन महसूस हुआ, कुछ अजीब सा कड़ा कड़ा कोई चीज उसमें महसूस हुई। तो उसने एक जूते को निकाल के देखा तो उसमें सिक्के थे, तो उसने उन सिक्कों को निकाला, इधर उधर देखा, फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला तो उसमें भी उसे कड़ापन महसूस हुआ। उसने उन जूतों में से सिक्कों को निकाला और फिर देखा और इधर उधर देखने लगा, उसे कोई नजर नहीं आया। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो उसने आकाश की तरफ देखा और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, आज आपने मेरा दिन बहुत अच्छा कर दिया है, आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीद कर ले जा सकूंगा, अपनी बीबी की दवाइयाँ ले जा सकूंगा। जिसने भी ये भला काम किया है उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। और मुझे तो मालूम नहीं ये
सुंदर कृत किसने की है या अच्छा काम किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है मुझ गरीब पर बहुत आभार किया है। हे ईश्वर, उसको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करना। मास्टर जी, वो अध्यापक और वो बच्चा दोनों ही इस बात को सुन रहे थे। तो मास्टर जी ने कहा, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? शिष्य की आंखों में आंसू आ गया। वो बोला, गुरुजी मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि अगर हम किसी को दुख देते हैं, अगर हम किसी का मजाक बनाते हैं उन कुछ क्षणों के लिए, तो हमें आनंद मिलता है, मगर हमें उनसे बद्दुआएं मिलती हैं और वो बद्दुआएं हमें जिंदगी भर परेशान करती हैं, हमारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती हैं। उन बद्दुआओं का असर हमारे जीवन में हमेशा रहता है, लेकिन अगर हम किसी की मदद ज़रूरत पड़ते पर कर देते हैं, जब वो ज़रूरत में हो उस समय हम अगर उसकी मदद करते हैं, तो उससे जो दुआ मिलती है वो सिर्फ उस इंसान को ही नहीं खुश करती, बल्कि जिसने वो कृत किया है, भले वो जाने वो न अनजाने में किया हो, उससे जो दुआ मिलती है वो अनमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, वो संतुष्टि देती है, भले वो लगे चाहे ना लगे, वो संतुष्टि जो आती है वो कृत करके, वो काम करके, वो मदद करके, उससे जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाइयों और बहनों, ये कहानी सच्ची है, ये कहानी कोई झूठ नहीं है। हम जब भी किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो उससे मिली हुई दुआएं हमें बहुत बहुत आगे ले जाती हैं। हमें भले ही उन्नति प्रोन्नति ना मिले, पर वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमें लगता है। हमारा परिवार खुश होता है, हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं, हमारे परिवार में खुशी का वातावरण होता है, हम किसी से बोलने लायक रहते हैं, हम आँख में आँख डालकर खड़े होने लायक रहते हैं, हम अपना सम्मान खुद कर सकते हैं, हम खुद पर नाज कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप से खुद नज़र मिला सकें, तभी हम एक अच्छे इंसान हैं। अगर हम खुद से ही नज़र नहीं मिला सकते, तो हम दुनिया से क्या नज़र मिलाएंगे, दुनिया को क्या सिखाएंगे? तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक अच्छा इंसान बन सके, और यही ज़रूरी है। पढ़ लिख कर तो सभी विद्वान बनते हैं, लेकिन साक्षरता जो है, जो ज्ञान आता है, जो विद्या आती है, वो इन कर्मों से आती है। जब दया भाव, क्योंकि किसी किताब में दया का चैप्टर नहीं है, मतलब दया से वो चैप्टर आपको दया नहीं दे देगा, चैप्टर में दया संबंधी कहानी जरूर दे दी गई होगी, लेकिन वो दया आपको दुकान पे भी खरीदने से नहीं मिलेगी, ममता आपको दुकान पे भी खरीदने से नहीं मिलेगी, समर्पण परोपकार ये सब दुकान में खरीदने से नहीं मिलेगा, ये आपके अंदर है, इन्हें जागृत करना पड़ता है, इनको महसूस करना पड़ता है कि हाँ मेरे अंदर ये परोपकार की भावना है, ये मेरे अंदर, हम जरूरी नहीं है पैसे से ही किसी की मदद कर सके, हमारे पास चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा रोटी हो गई है तो उस दिन हम मंदिर में ले जाके वो रोटी दान दे दें, हम फल दान दे दें, हम कुछ ना कुछ अगर दान कर दें उन ज़रूरतमंदों को, हमें वो आशीर्वाद ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज की कहानी समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हर एक के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें दुआओं की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है, चाहे वो माता पिता की हो, चाहे वो किसी के भी हो, हमें दुआएं मिलती रहेंगी तो हम आगे सक्सेसफुल होते रहेंगे, हमें सफलता मिलती रहेगी इन दुआओं की, चाहे वो किसी से भी हो, पहचानने वाले अनजान व्यक्ति से अगर दुआ मिल जाती है तो क्या बुराई है।
हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, ये बिना सोचे समझे कि हम अपने के लिए अच्छा कर रहे हैं या दूसरों के लिए। अपना पराया बिना देखे जब हम अच्छा करने लगते हैं तो हम खुद अच्छे बनने लगते हैं। तो इसी तरीके से हम अच्छा करते रहें, अच्छा सोचते रहें, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान, और गांधी जी ने कहा था बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। लेकिन मैंने इसमें एक और बंदर जोड़ा है और उसका ध्येय है ये कहना बुरा ना सोचो। अगर हम बुरा सोचेंगे नहीं तो बुरा दिखेगा नहीं, हम बुरा बोलेंगे नहीं, हम बुरा सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सोच पर आधारित होती हैं। अगर हमारी सोच ही अच्छी होगी तो हमें ये सारी चीज़ें बुराइयाँ दिखेंगी ही नहीं और हम अच्छा ही करते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, फिर नेक्स्ट संडे को मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अच्छा लगे तो सुनाइए जरूर दूसरों को भी कहानियाँ, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये कहानियाँ दूसरों तक पहुँचती हैं और दूसरे मोटिवेट होते हैं, दूसरों को अच्छी लगती है, तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा संकल्प है। धन्यवाद।